कहते हैं कि पुलिस वालों से ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी, और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो बीते जमाने से कही आ रही वो बातें हैं जो सच हैं। इंदौरी गुंडे सलमान लाला को तो आप जानते ही होंगे, ये वही सलमान लाला है जो कहता था कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नग्न से क्या काम, बदनाम नहीं होंगे तो कैसे होगा नाम, जिसकी सरकास्टिक हंसी देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाया करती थी, जो सोशल मीडिया पर लाइव आकर अल्लाह के नाम पर गुंडागर्दी करके ऊपर वाले को भी बदनाम किया करता था। आज उसके घर को जमींदोज किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला का घर किस तरह से जमींदोज कर दिया गया है, और ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार किया गया है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि सलमान लाला के हर गुनाहों में, हर कारनामों में उसकी अम्मी जान उसका बहुत सपोर्ट किया करती थी। कुछ पुलिस वालों की मदद से सलमान लाला की जमानत करवा लिया करती थी, लेकिन अब लाला की अम्मी के वो दिन लद गए। सलमान लाला तो जेल में बंद है, लेकिन जेल के बाहर उसके परिवार वाले भी अब सड़क पर आ चुके हैं, क्योंकि सलमान लाला ने चोरी, डकैती, हत्या, धमकी जैसे संगीन गुनाह करके जो रुपए कमाए थे और उन रुपयों से अपनी अम्मी जान और अब्बा जान के लिए महल बनवाया था, आज उस महल पर बुलडोजर चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी सलमान लाला के घर को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। गलत धंधों के पैसे से बनाए गए अपने घर को टूटता देख सलमान लाला का अब्बा शेरू लाला रो रहा है। माँ भी लाला के जमानत को लेकर भाग दौड़ लगा रही है, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भरता है और भरने के बाद फूट जाता है। शायद सलमान लाला के पापों का घड़ा अब भर चुका है। सलमान लाला की हिम्मत की दास तो देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके घर पर इससे पहले भी इसी तरह से बुलडोजर चलाया गया था, लेकिन लाला के पास पैसों की कमी तो है नहीं, तो उसने पहले से भी ज्यादा मजबूत और बड़ा घर बनाकर प्रशासन को चैलेंज किया था। मानो कह रहा हो कि तुम कितने भी घर को तोड़ोगे, मैं फिर से घर बनाऊंगा। सलमान लाला के घर को तोड़ने की कार्रवाई के लिए 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और 6 JCB मशीनों को लगाया गया था। अब आप सोचिए कि 6 JCB मशीनें अगर एक व्यक्ति के घर को तोड़ने में लगी होंगी तो उसका घर कितना आलीशान होगा। ये कार्रवाई नगर पालिका नागदा द्वारा प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर किया गया। सलमान लाला पर बिरला ग्राम थाना अन्नपूर्णा इंदौर और खाचरौद में धारा 323, 294, 34, 379, 353, 25 और 506 में कई मामले दर्ज हैं। CMD आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि सलमान लाला के खिलाफ करीब एक साल पहले भी मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बाद उसने फिर से मकान बनवा लिया था, जिसके बाद इस पर दोबारा कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि सलमान लाला के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। उसके घर से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए थे। वैसे आपको बता दें कि सलमान लाला अभी इंदौर की जेल में सजा काट रहा है। उसे फरवरी 2022 में गिरफ्तार करके पूरे शहर में घुमाया गया था, और सलमान लाला ये कहता हुआ घूम रहा था कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। फिलहाल सलमान लाला के घर जमींदोज हो जाने के बाद अब सलमान लाला के परिवार वाले सड़क पर आ चुके हैं। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।